देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। मानसून नजदीक है और इस बीच नगर सेवक द्वारा निजी सफाई कर्मचारियों को लगाकर गटर की सफाई की जा रही है। बड़ी शर्म की बात है कि महानगर पालिका में हजारों की संख्या में कार्यरत पर रहने वाले सफाई कर्मचारी क्या नगर सेवक की भी नहीं सुनते? ये एक सवाल लोगों के मन में खड़ा होता है। वहीं पर आपको जो हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं, वार्ड क्रमांक 3, विशेष तौर पर फातिमा नगर मसूराबाद, जहां पर विशेष तौर पर आपको बता दें कि लगभग 20 से 25 हजार के लोक संख्या वाली ये क्षेत्र है और इसमें नाले और गटर की सफाई की बात की जाए तो यहाँ पर जीरो है, जिसको लेकर ये चित्र तो दर्शा ही देता है कि यहाँ के जो नगर सेविका हैं उन्होंने निजी कर्मचारियों को लगाकर साफ सफाई कराने का जिम्मा लिया, क्योंकि मानसून नज़दीक है। वहीं आपको बता दें कि हमारे चैनल की टीम जब वहाँ पर पहुँची तो देखा कि दर्जनों जो सफाई कर्मचारी वहाँ पर लगाए गए हैं उनको रोजाना दिहाड़ी पर पैसा दिया जाता है। हमारे चैनल की टीम ने वहाँ के समाज सेवक महबूब सिद्दीकी से भी बातचीत की तो उन्होंने अपना सीधा निशाना महानगर पालिका के आयुक्त और महापौर पर साधते हुए नजर आए। कहा कि एसी में बैठकर शहर की समस्या हल नहीं की जाती, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को पूछकर हल किया जाता है। ये सारी बातों को लेकर महबूब सिद्दीकी, जो कि समाज सेवक है और यहाँ के स्थानीय नगर सेविका रेहाना सिद्दीकी के सुपुत्र हैं, उन्होंने सीधा निशाना साधा और क्या कहा, देखिए इस विशेष खबर में। क्या कहेंगे, जिस तरह से हमने आज आपके वार्ड में दौरा किया तो वहाँ पर देखा कि प्राइवेट जो है सफाई कर्मचारी नाली गटर की सफाई कर रहे थे, क्या माजरा, क्या आपके वार्ड में सफाई कर्मचारी मनपा ने नहीं किए? मनपा ने ऐसे तो 18 कर्मचारी नियुक्त किए हैं, लेकिन आते सिर्फ रोज 2 और 3। उनसे कारण पूछो तो आए दिन वो कहते हैं कि कोई बीमार है, कोई शादी है, किसी की छुट्टी है, मतलब ऐसा पिछले 1 साल से चलता आ रहा है। तो इसके खिलाफ़ हमने लेटर दिया, सब कुछ दिया, मतलब आप लेटर देखेंगे तो पूरी एक लेटर पैड मेरा ख़त्म हो गया सफाई और पानी के बारे में बोलते बोलते। और आज तक इस बात को लेकर ना महापौर सीरियस हुए, ना कमिश्नर सीरियस हुए, सब अपनी एसी ऑफिस में बैठे हैं अपनी कुर्सी गर्म करते हुए। ये तो क्या कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि महापौर और महानगर पालिका के आयुक्त संबंधित अधिकारी को पत्र लिखने के बाद ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या कहेंगे इस तरह से आज यहाँ पर आपने नाले गटर सफाई के लिए कितने लोगों को कर्मचारी को लगाया था? मैं डेली रोज 12 से 15 आदमी लगा रहा हूँ लास्ट 10 से 15 दिन से। 15 दिन से आप? जी हाँ, सफाई करते हैं। डेली का समझो उनका खर्चा 10,000 रुपये अपने जेब से हम लोग पर्सनल दे रहे हैं। महानगर पालिका के ऊपर कोई मतलब कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं? यहाँ तक कि आज तक IAS रैंकिंग सब करते थे, BOND वाले कमिश्नर आएगा, आज तक उसने मेरे वार्ड में एक भी दिन विजिट नहीं किया, ना कमिश्नर ना महापौर, सब अपनी अपनी एसी ऑफिस में बैठे। इन्विटेशन दिया कभी? इनको इन्विटेशन इतना लेटर दिया है, लेटर देने के बाद आदमी के अंदर जमीर होता है कि आप आए विजिट करें, गरीबों का हाल देखें वहाँ पर कैसे रह रहे हैं लोग, लेकिन ये लोग पर अपना कान में रूई डाल के अपनी एसी ऑफिस में बैठे जाए, बस कुर्सी गर्म कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपके वार्ड में प्राइवेट कर्मचारियों को लगाकर साफ सफाई करा रहे हैं? अब मामला ऐसा है कि पब्लिक हमारे को आती है, पब्लिक ने हमारा मुंह देख के हमको वोट देख के हमको जिताया है, कोई कमिश्नर महापौर को देख के नहीं जिताया। अब वो हमसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, जब हम आखिरी में हम तो इंसान है, अब उनकी हालत देख रहे कौन से तरीके से रह रहे, तो हम लोग हार के अपने पास से अपने जेब से करवा रहे। कमिश्नर की कोई औकात नहीं, कोई आगे यहाँ करके नहीं गया, कोई देखने तक नहीं आया कि यहाँ पब्लिक कौन से हाल में रह रही है। घर पट्टी वसूलना हो, नल पट्टी वसूलना हो तो महानगर पालिका आगे बराबर कैंप लगा के जाती है, पूरे प्रभाग अधिकारी नहीं तो करता वो घर पट्टी वसूलने वाले आगे रोज बैठे रहेंगे और गरीबों को हैरान करेंगे, घर पट्टी भरो नहीं तो नल काट देते उनका। और जब उनके काम की बारी आती है तो कभी फंड नहीं पास होता है, कभी आदमी नहीं रहते है, मतलब टाल, हाँ मतलब हमेशा से लोग टालते हैं ना, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, खाली बस पैसा लेना जानते हैं गरीबों से, उनका काम करना नहीं जानते। क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जाए कि आज महानगर पालिका में जो महापौर हैं, हाँ आप लोगों का मतलब उसमें सहयोग है बहुत बड़ा जी, कहीं ना कहीं आप लोगों पर ध्यान देना चाहिए, तो अनदेखा करने का मुख्य कारण क्या है? अब उनका अनदेखा करने का कारण क्या है, उनको अपने से पर्सनल तकलीफ क्या है वो अल्लाह जाने, हमको तो उतना पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनका सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि हमारे वार्ड का काम। लेकिन आज 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं, मतलब सिचुएशन मतलब एकदम वर्ष होती आ रही है। क्या कहेंगे इस तरह के लापरवाही? अब अगर आगे चल के 1 हफ्ते में अगर मेरे वार्ड का काम नहीं हुआ या अगर ऐसे ही ढिलाई चलती रही तो मेरे वार्ड में जितने भी कचरे निकलेंगे मैं कमिश्नर के घर पे, महापौर के घर के बाहर पूरा डंप करवाऊंगा।
मेरी अम्मी यहाँ की नगर सेविका है वार्ड नंबर 3 की, पर यहाँ का पूरा वार्ड का जो काम होता है वो मैं देखता हूँ।